इटावा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, दो अंतर जनपदीय गांजा तस्करों को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से 55 लाख रुपए का माल पुलिस ने किया बरामद। 1 क्विंटल 74 किलो गांजा किया बरामद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के परीक्षण में थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस व एसओजी टीम द्वारा की गई संयुक्त रूप से कार्यवाही। पुलिस ने 35 लाख रुपए का गांजा और 20 लाख रुपए का डीसीएम को किया गया जब्त। गांजा तस्कर लंबे समय से गांजा तस्करी का काम कर रहे थे। पकड़े गए आरोपियों ने बताया है कि गांजे को उड़ीसा से लेकर आते थे और यूपी के तमाम जिलों में पहुंचकर गांजे को अच्छे दाम में बेचा जाता था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। देखिए, उड़ीसा से चलकर जनपद इटावा में एक फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में एसओजी और थाना फ्रेंड्स कॉलोनी की संयुक्त टीम ने 174 किलोग्राम गांजा पकड़ा है और उस पर 8/20 एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया फ्रेंड्स कॉलोनी जनपद इटावा में। और दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, कुलदीप और नितेश। कुलदीप अलीगढ़ का रहने वाला है तथा नितेश भरतपुर राजस्थान का रहने वाला है और ये राजस्थान ही हरियाणा नंबर की जो डीसीएम ट्रक है जा रही थी। लगभग 55 लाख की ये टोटल बरामदगी है और 20 लाख गाड़ी का और 35 लाख का ये पूरा आपका गांजा है। इस प्रकार से ये एक अच्छी रिकवरी की गई है और पुलिस का, जैसा कि मैं पहले से भी मैं बताता रहा हूँ कि हमारी इटावा पुलिस अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई है उसमें निश्चित तौर से जो है हमेशा अच्छे ढंग से कार्रवाई करने के लिए तत्पर है और शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई सतत इटावा पुलिस द्वारा जारी रहेगी।